तो मित्रों आज के इस वीडियो में हम लाइव एपीआई को कंज्यूम करने की फंक्शनालिटी का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एपीआई बनाया था तो वो एपीआई हमारे लोकल सर्वर पे थी, बट आज जो एपीआई कहीं ना कहीं होस्ट होगी लाइव सर्वर पे। तो हम देखते हैं कि हमारा जो लाइव सर्वर है उसके यूआरएल को, जो हमें यूपीआई में रिस्पॉन्स में डेटा मिलेगा उसको हम कंज्यूम करेंगे। तो लाइव एपीआई हमारी कहाँ कहीं होस्ट है सर्वर पे, dummyjson.com, इसको हम ओपन करते हैं और उसके बाद हम यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है, ये हमें जेसन डेटा मिल रहा है। तब इस एपीआई को, जो हमारा एपीआई के यूआरएल है, इसके डेटा को हम कैसे कंज्यूम करेंगे? तो यदि हम इसको कंट्रोल ए सी करके और यहाँ पे जेसन ब्यूटिफाई ऑनलाइन इसको यहाँ करते हैं और कंट्रोल ए सी और इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं कंट्रोल ए वी, तो देखिए ये हमें ऑब्जेक्ट में रिटर्न हो रहा है, जो कि आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, डिस्काउंट, रेटिंग, स्टॉक, ब्रांड, कैटेगरी, थंबनेल और इमेज हमें रिटर्न कर रहा है। और उसके बाद यदि हम प्रोडक्ट को यहाँ पे क्लोज करते हैं तो हमें यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड 100, स्किप 0, लिमिट कितनी है 30,000, मतलब फर्स्ट टाइम में हमारा 30 रिकॉर्ड लोड होगा। मतलब इस एपीआई को हम अपने प्रोजेक्ट में कैसे कंज्यूम करें, तो उसके लिए चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट पे। और अब देखिए इस प्रोजेक्ट में, पिछले ट्यूटोरियल में हमने क्या देखा था कि हमारे पास दो प्रोजेक्ट थे, एक तो हमारा एपीआई का प्रोजेक्ट था और दूसरा वेब का प्रोजेक्ट था, यानी उसमें व्यू था, लेकिन इसमें एपीआई का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। हम डायरेक्ट यूआरएल को एक्सेस करके हम उसी इस डेटा को यूज में लेंगे। तो अब देखिए इसमें हमने हमें डेटाबेस से कोई रिलेशन नहीं है, हमारे डेटाबेस से कोई मतलब नहीं है, हमारे डेटाबेस किसी और का यूज करना है। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करेंगे, देखिए तो ये हमारा सैंपल प्रोजेक्ट है, इसमें अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, बेसिक जो हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं वही है। तो हम क्या करेंगे, चलते हैं और एक कंट्रोलर पर और एक कंट्रोलर ऐड करते हैं, एमबीसी कंट्रोलर एमपीटी, और उसके बाद इसका हम नाम देंगे, नाम हम अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं जो कि मीनिंगफुल हो। तो हम इसका नाम रख देते हैं लाइव, ऐड करते हैं, हमने कंट्रोलर ऐड कर लिया, ठीक। अब उसके बाद हमने कंट्रोलर ऐड कर लिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका व्यू ऐड करना होगा। तो चलते हैं गो ऐड व्यू, लेजर व्यू ऐड ऐड करते हैं। तो देखिए लाइव कंट्रोलर और लाइव कंट्रोलर के इंडेक्स एक्शन का व्यू हमने बनाया, ठीक है, तो इतना काम कर लिया। अब देखिए अब चूंकि हमें यहाँ पे, अब इस एपीआई को कंज्यूम करने के लिए हमें किसकी नीड होगी, हमें मॉडल की नीड होगी। तो मॉडल हम बनाएंगे और उसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज है, इस डेटा में जितनी भी हमारे पास प्रॉपर्टीज आ रही है, अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज कौन सी है, आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, डिस्काउंट परसेंटेज, रेटिंग, स्टॉक, ब्रांड, कैटेगरी, थंबनेल, इमेज, उसके बाद यहाँ पे टोटल, स्कीप, लिमिट, तो इसको हम मॉडल में प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मॉडल बनाना पड़ेगा, हमने कंट्रोलर बनाया और व्यू बनाया, अब हम मॉडल बनाएंगे, एक मॉडल बनाते हैं, हम मॉडल बनाते हैं प्रोडक्ट्स के नाम से, प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं। अब इसका हमें प्रॉपर्टी बनाएंगे तो हमें डेटा टाइप देना होगा, ठीक है। तो अभी तो ये हमें स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है, इंटीजर, स्ट्रिंग, डबल, तो हम उसी हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो देखिए चलते हैं और बनाते हैं प्रॉप इंट आईडी, उसके बाद स्ट्रिंग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, अब जो प्राइज है तो प्राइज के लिए हम क्या करेंगे, डबल यूज करते हैं, प्राइज, उसके बाद डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज, उसके बाद रेटिंग, उसके बाद इंट स्टॉक, उसके बाद ब्रांड, उसके बाद कैटेगरी, 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 उसके बाद थंबनेल, थंबनेल। अब देखिए इतना तो हमने काम कर लिया, थंबनेल तक हमने कर लिया, लेकिन अब देखिए इमेज, इमेज पे भी देखिए एरे में आ रहा है और उसके बाद लिस्ट है, तो हम क्या करेंगे, इमेज भी लिस्ट में आ रही है तो हमें स्ट्रिंग टाइप का लिस्ट है, तो उसके लिए भी हमें प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट और किस चीज की लिस्ट, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इमेजेस, ठीक है, इमेजेस। तो हमने प्रॉपर्टी जितनी थी हमारे वहां पे हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर ली, इतना काम हमने कर लिया। उसके बाद एक और हम बनाते हैं पब्लिक क्लास प्रोडक्ट लिस्ट, अब इसमें हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट्स का लिस्ट बनाएंगे हम, ठीक है, जो कि डिजिटलाइजेशन में हमें यूज करेंगे इसको,
पब्लिक लिस्ट, किसकी लिस्ट? प्रोडक्ट की, और इसका हम नाम दे देंगे प्रोडक्ट्स, गेट सेट, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, उसके बाद ये प्रॉपर्टी रिटर्न कर रहा है टोटल स्कीप लिमिट, तो इसको भी हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे, पब्लिक इंट टोटल गेट सेट, ठीक, स्कीप काउंट, जो भी हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा था उसकी प्रॉपर्टी को हमने क्या किया, हमने मॉडल में डिक्लेयर कर दिया। अब हम चलते हैं अपने कंट्रोलर पे, और इस कंट्रोलर पे हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। अब देखिए, अब उसके लिए हम जो ये हमारा यूआरएल है, इस यूआरएल को हम करते हैं कॉपी, कंट्रोल सी, प्राइवेट स्ट्रिंग लाइव यूआरएल, ठीक है, इक्वल टू, और इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये क्या है हमारा, ये हमारा बेस यूआरएल होगा, ठीक है, ये बेस यूआरएल, ठीक। अब उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक लगा देते हैं, ठीक। उसके बाद यूजिंग HTTP क्लाइंट कंट्रोल डॉट करके इसके नेम स्पेस को हम इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद क्लाइंट इक्वल टू न्यू HTTP क्लाइंट, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, क्लाइंट डॉट बेस एड्रेस इक्वल टू न्यू URI। अब URI में हमें क्या पास करना है, लाइव URL हम दे देंगे, ठीक है, बेस एड्रेस हो गया हमारा, ये हमारा बेस एड्रेस हो गया लाइव URL, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक। अब हमने बता दिया कि जो हमारा बेस एड्रेस है वो क्या है, PDA टाइप क्वालिटी हेडर वैल्यू, कंट्रोल डॉट करके इसके नेम स्पेस को हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कराएंगे, और इसको हम बताएंगे कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप हमारा कैसा होगा, न्यू, और इसको हम बता देंगे कि जो हमारा कंटेंट टाइप होगा वो एप्लीकेशन जेसन टाइप का होगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, क्लाइंट डॉट डिफॉल्ट हेडर्स डॉट एक्सेप्ट डॉट एड, ठीक है, कंटेंट टाइप। उसके बाद HTTP रिस्पॉन्स मैसेज, रिस्पॉन्स इक्वल टू क्लाइंट डॉट गेट एसिंक, और इसमें हम क्या करेंगे, पास कर देंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है, डॉट, और हम क्या करेंगे इसके रिजल्ट, इसके रिजल्ट को हम क्या करेंगे, रीड करेंगे, ठीक है। देखिए, ये हमारा हो गया बेस यूआरएल। उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट्स है उसको हमने कहाँ पास कर दिया, गेट एसिंक, मतलब इस रूट पे जाना है। ये तो हमारा हो गया प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे हमें उतरने के बाद हमें किस सिटी में जाना है, इस सिटी में जाना है, यानी इस प्रोडक्ट पे जाना है, ये हमारा रूट है, तो हमें कहाँ जाना है, प्रोडक्ट्स पे, ठीक है, तो हमने उसको बता दिया कि हमें प्रोडक्ट्स पे जाना है, ठीक। इफ रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेस, तो हम क्या करेंगे, वेर स्ट्रिंग डेटा इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट डॉट रीड एज स्ट्रिंग एसिंक डॉट रिजल्ट, हमने क्या किया, रीड कर लिया। अब ये हमारे पास किस टाइप का डेटा आ गया, स्ट्रिंग टाइप का डेटा आ गया, तो अब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे एक हम बनाते हैं प्रोडक्ट लिस्ट का, कंट्रोल डॉट करते हैं, और इसके नेम स्पेस को हम क्या करते हैं, जो हमने मॉडल बनाया था उसको इंपोर्ट करते हैं, PRD प्रोडक्ट लिस्ट इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है, इसका हमने इंस्टांस बनाया। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट लिस्ट इक्वल टू जेसन कन्वर्ट, कन्वर्ट कंट्रोल डॉट करके इसके नेम स्पेस को इंपोर्ट करेंगे, डॉट डिसरलाइज ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पास करना पड़ेगा, किसको, जो हमारा मॉडल है प्रोडक्ट लिस्ट का, प्रोडक्ट लिस्ट, और उसके बाद इसमें हमें क्या पास करना पड़ेगा, स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू हमारी कहाँ है, स्ट्रिंग डेटा नाम के वेरिएबल में है, स्ट्रिंग डेटा, ठीक है। अब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट हमने रिसीव कर लिया, तो इसी को हम क्या करेंगे, रिटर्न कराएंगे, रिटर्न व्यू कंट्रोल वी, इसको हमने क्या किया, रिटर्न करा दिया, ठीक, कंट्रोल एस। उसके बाद इसका जो हमने व्यू बनाया है, गो टू व्यू, व्यू पे चलते हैं, और हम यहाँ पे एट द रेट मॉडल प्रोजेक्ट लाइव API डॉट मॉडल्स डॉट, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिव क्लास कंटेनर, डिव क्लास रो। अब हमें इसको टेबल में, हम टेबुलर फॉर्म में इस डेटा को दिखाएंगे, यहाँ पे डिबगर लगा के चेक करेंगे, तो लाइव कंट्रोलर का हमारा इंडेक्स एक्शन
पे हम देखते हैं क्या आता है, ठीक है। अब इसको हम व्यू पे कैसे इसको ऑप्टिमाइज करेंगे अभी हम देखेंगे। देखिए अभी ये क्या हुआ, होम का इंडेक्स एक्शन रन हुआ, तो हमें क्या कराना है, लाइव कंट्रोलर का इंडेक्स एक्शन रन कराना है। एंटर किया, ब्रेक पॉइंट हमने लगा रखा है, F10 करते हैं। अभी देखिए प्रोडक्ट लिस्ट अभी इसमें कुछ भी नहीं है, काउंट स्किप टोटल और प्रोडक्ट्स में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेस एड्रेस हमने पास किया लाइव यूआरएल में डमी जेसन, उसके बाद हमने इसका रूट दे दिया कि हमें इस, ये हमारा बेस एड्रेस है, उसके बाद हमें कहाँ जाना है, इस वाले तुम रूट को एक्सेस करना, ठीक है। जो भी हमें सेट करना था हमने सेट कर दिया। अब देखिए रिस्पॉन्स में हमें क्या मिलता है, रिस्पॉन्स में 20200 ओके मिल गया हमें, ठीक है। रिस्पॉन्स इज सक्सेस, स्टेटस कोड। अब स्ट्रिंग डेटा में इसने स्ट्रिंग डेटा हमें रिटर्न कर दिया, ये वही हमारे पास डेटा है जो हमने यहाँ पे इसको ये जेसन डेटा रिटर्न कर रहा था वही है सेम, ठीक है। तो अब जो डेटा हमें रिटर्न किया है, अब इसी डेटा को हमें क्या करना है, डिसरियलाइज करना है। तो हमने क्या किया, उसको डिसरियलाइज कर लिया। देखिए यहाँ पे काउंट 0 स्किप 0 और यहाँ पे टोटल 100। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हुई है, सी काउंट आ रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट में, सी काउंट ये होगा COUNT काउंट, ठीक है काउंट। तो अभी काउंट इसलिए 0 था क्योंकि हमने वहां पे गलत प्रॉपर्टीज डिक्लेयर की थी। अब यहाँ पे जितना भी हमारे पास प्रोडक्ट्स में था वो हमने रिसीव कर लिया। उसके बाद इमेज, इमेज की लिस्ट थी हमारे पास, तो इमेज भी हमने रिसीव कर ली जो कि 5 इमेज थी। 0 इंडेक्स पे हम देखते हैं इमेजेस में 5 इमेजेस, ठीक है हमने रिसीव कर। अब इसको हम यूआई पे कैसे कंज्यूम करेंगे, यूआई पे कैसे डिस्प्ले कराएंगे ये देखते हैं, ठीक है। कंटिन्यू स्टॉप कर देते हैं और चलते हैं यूआई को हम मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। डिव क्लास रो, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक डिव लेंगे और यहाँ पे हम एंकर टैग लगाते हैं, और इस एंकर टैग में हम क्या करेंगे, एड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स एड प्रोडक्ट, ठीक है, का एक हम बटन लगा देते हैं, क्लास दे देते हैं BTN, BTN SM, BTN प्राइमरी टेक्स्ट वाइट फ्लोट। इसे हमें कहाँ रखना है, हम राइट साइड में रखते हैं इसको फ्लोट राइट, और हम मार्जिन दे देते हैं 1 और पैडिंग दे देते हैं 1, ठीक है। इतना काम हमने कर दिया, कंट्रोल एस, ये हमने क्या किया, एक बटन लगाया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, टेबल क्लास टेबल बॉर्डर टेबल ओवर टेबल स्ट्रिप्ड, ठीक है इतना हमने क्लास दे दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, टेबल की हेडिंग बनाते हैं, बीजी डार्क क्लास देंगे, बीजी डार्क टेक्स्ट लाइट, ठीक। इसमें भी हम दे देते हैं बटन में भी, जो हमारा टेक्स्ट होगा वो कैसे दिखेगा, वाइट, ये तो हमने दिया है, ठीक है। टेक्स्ट लाइट और टेक्स्ट सेंटर, ठीक है इतना हमने हेडिंग में दे दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, दिखानी पड़ेगी TR, उसके बाद TH ID, उसके बाद हमारा क्या था मॉडल है, आईडी टाइटल डिस्क्रिप्शन प्राइस, आईडी टाइटल उसके बाद डिस्क्रिप्शन प्राइस, उसके बाद डिस्काउंट रेटिंग, उसके बाद स्टॉक, उसके बाद ब्रांड, उसके बाद कैटेगरी, उसके बाद इमेजेस था। तो इमेजेस हम कहाँ दिखाएंगे, यहाँ पे दिखाएंगे टाइटल के बाद, टाइटल इमेजेस, और ये जो हमारा ब्रांड है और कैटेगरी है कंट्रोल एक्स, और इसको हम टाइटल के बाद दिखाते हैं, ठीक है। और टाइटल में ही हम क्या करेंगे, थंबनेल को दिखाएंगे, ठीक है। इतना काम हमने कर लिया, उसके बाद ये हमारा हो गया टेबल हेडिंग हमने तैयार कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एक एक्शन TH एक्शन मतलब ईडी डिलीट और डिटेल्स का बटन लगाएंगे, कंट्रोल एस। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, टी हेड के बाद टेबल बॉडी इसको स्टार्ट करते हैं, टेबल बॉडी, और इसको हम क्लास टेक्स्ट सेंटर दे देते हैं।
टी बॉडी में हम क्या करेंगे, फॉर इच लूप लगाएंगे एट द रेट फॉर वेर डी इन मॉडल डॉट प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये इसमें से हम निकालेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, टी आर टी डी एट द रेट डी डॉट आई डी, उसके बाद टाइटिल। अब इसी टाइटिल में हम क्या करेंगे, थंबनेल दिखाएंगे, ठीक है। टाइटिल को हम क्या कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे क्या करते हैं, बोल्ड कंट्रोल वी, और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इमेज दिखा देते हैं जो हमारा थंबनेल आ रहा है, ठीक है। इमेज एस आर सी इक्वल टू एट द रेट डी डॉट थंबनेल, ठीक है। अब इसकी हम हाइट बिट सेट कर देते हैं विथ 100 पिक्सल और हाइट 50 पिक्सल, 40 पिक्सल, और ये भी हम कर देते हैं विड्थ भी 40 पिक्सल, ठीक है। इतना हमने काम कर लिया, आईडी दिखा दिया कंट्रोल के डी, टाइटल दिखा, आईडी दिखा दिया, टाइटल दिखा दिया, थंबनेल दिखा दिया, उसके बाद ब्रांड कैटेगरी इमेज, ठीक है। तो टी डी, टी डी के बाद टी डी, अब एट द रेट डी डॉट ब्रांड, उसके बाद कैटेगरी, उसके बाद इमेज, इमेज दिखाना है। तो इमेज के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें, अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एट द रेट फॉर ईच वेर आई इन डी डॉट इमेजेस, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे, इमेज निकालेंगे, क्योंकि इमेज हमारे पास कितनी है, 5 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इमेज एस आर सी इक्वल टू एट द रेट आई, ठीक, और उसके बाद इसको हम क्लोज करते हैं और इसको हम स्टाइल दे देते हैं, वीड दे देते हैं 40 पिक्सल, हाइट दे देते हैं 50 पिक्सल, 50 पिक्सल, उसके बाद मार्जिन दे देते हैं 1 पिक्सल, उसके बाद पैडिंग दे देते हैं, 1 पिक्सल का पैडिंग दे देते हैं, ये हम इनलाइन सीएसएस लिख रहे हैं, ठीक है। बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है, इतना हमने काम कर दिया। उसके बाद बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस हम कितने का, 5 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, ठीक है। इतना काम हमने कर लिया इमेज को दिखाने के लिए, ठीक, कंट्रोल के डी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इमेज हो गया, उसके बाद हम क्या दिखाएंगे, इमेज डिस्क्रिप्शन प्राइस डिस्काउंट, तो टी डी, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एट द रेट डी डॉट डिस्क्रिप्शन, उसके बाद प्राइज, उसके बाद डिस्काउंट रेटिंग, उसके बाद स्टॉक, उसके बाद हम क्या दिखाएंगे, बटन दिखाएंगे, ठीक है, एडिट और डिलीट, एडिट डिलीट और डिटेल्स का, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए एंकर टैग में एडिट क्लास बीटीएन, बीटीएन एसएम, बीटीएन प्राइमरी, उसके बाद एएसपी राउट एट द रेट डी डॉट आईडी, ठीक है, उसको हम डिलीट या एडिट या फिर डिटेल्स हम कैसे देखेंगे, आईडी के भी यहाँ पे देखेंगे, तो हमने आईडी दे दी, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, मार्जिन दे देते हैं थोड़ी सी M1, ठीक है, ताकि थोड़ा सा दूर दूर रहे बटन। इतना काम हमने कर लिया, ठीक है, ये बटन। उसके बाद एडिट का हो गया एक, यहाँ पे डिटेल्स, और ये हो गया हमारा डिलीट का, डिलीट, और ये इसका हम कलर चेंज करते हैं वार्निंग, और ये इसको कर देते हैं डेंजर को डेंजर, ठीक है। इतना काम हमने कर लिया, कंट्रोल एस कंट्रोल के डी। अब हम क्या करेंगे, स्टार्टअप डॉट सी एस फाइल में चलेंगे, और इसको हम नहीं, लेआउट में चलते हैं, सीएड में चलते हैं और लेआउट पे चलते हैं, और यहाँ पे जो हमारा होम प्राइवेसी का है, तो इसको हम क्या करते हैं, इंडेक्स, और इसको हम करते हैं लाइव, या फिर प्रोडक्ट्स कर देते हैं, प्रोडक्ट्स, और इसको, ये जो हमारा कंट्रोलर है कौन सा है, लाइव, ठीक है।
कंट्रोल एस। अब चलते हैं अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें आउटपुट मिलता है। कंट्रोल एस रन करते हैं। ठीक है, तो हम इस पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो हमें देखने को मिल रहा है, हमने एपीआई को कंज्यूम कर लिया। ये इमेज इसलिए लोड नहीं हो रही है क्योंकि नेटवर्क इशू है, नेटवर्क स्लो चल रहा है इस वजह से। अब हम चाहते हैं कि यदि यस इमेज पे क्लिक करें तो इमेज हमें बड़ा दिखे, ठीक है, इमेज बड़ा दिखे, तो हम क्या करेंगे उसको, और ये जो हमारा टेक्स्ट सेंटर में दिख रहा है इसको हम अलाइनमेंट कर देंगे लेफ्ट, ठीक है। और हम चाहते हैं कि यदि एड का बटन है जो वहां पे हमें आइकन दिखे, एडिट का बटन आइकन दिखे, इस पे आइकन दिखे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉन्ट ऑसम का हम सीडियन यूज कर लेते हैं। फॉन्ट ऑसम बूटस्ट्रैप फॉर सीडियन, और इसका हम सीडियन यूज कर लेते हैं, कहाँ से, W3 स्कूल से ले लेते हैं, W3 स्कूल, और फॉन्ट ऑसम इंट्रो। तो इसको हम क्या करेंगे, लेआउट में अपने लगा देंगे, ठीक है। तो हम इसको अभी के लिए कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे चलते हैं, और जो हमारा लेआउट है यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं, CSS, कंट्रोल V कंट्रोल S, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉन्ट ऑसम का हमें आइकन चाहिए, तो आइकन के लिए हम यहाँ पे देखें, आइकन हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, फॉन्ट ऑसम आइकन, तो आइकन के लिए हम यहाँ पे सर्च करेंगे, देखिए यहाँ पे, तो अगर मान लीजिए हमें एड का लगाना है, एड, तो एड के लिए प्लस का आइकन, तो इसको हमें लगाना है, तो हम आ गया हमारा, और यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है, कॉपी हो गया। अब हम यहाँ पे चलते हैं और HTML वाले पार्ट पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे उसको हम पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी, फास्ट प्लस सॉलिड, तो हम ये सॉलिड, ये जो वर्जन 4 का नहीं है, तो ये वर्जन 4 का है, फा प्लस, ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं, और यदि हम रन करेंगे तो अभी देखेंगे मिलेगा हमें देखने को, तो उसके लिए हम एडिट के लिए भी कर लेते हैं, एडिट के लिए हमारा क्या है, एडिट के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और एडिट के लिए इसको हम फा सॉलिड, फा पेन, और इसके लिए हम डिटेल्स के लिए कंट्रोल वी, और इसके लिए पेन नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इन्फो, इन्फो कर देंगे, इन्फो, और यहाँ से इसको हटा देते हैं, और डिलीट के लिए कंट्रोल वी, और यहाँ पे प्रेस, और यहाँ पे फ्लॉ, कंट्रोल एस। तो अब हम देखेंगे कि हमें आइकन दिखने को मिलेगा, फिर से रीलोड करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें आइकन दिख रहा है या नहीं, ठीक है। प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं, देखिए लोड हुआ और हमें आइकन दिख रहा है, ठीक है, एडिट का भी आइकन नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि पेन, तो ये हम कर देते हैं इसको पेंसिल, पेंसिल, ठीक है, देखिए आ गया एडिट का आइकन, तो इस तरीके से हम कस्टमाइज कर सकते हैं, और ये हमारा पेन सील कर देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, अब हम चाहते हैं कि हम जैसे इमेज पे क्लिक करें तो हमें एक मॉडल पॉपअप शो हो और उसमें हमारा इमेज ये बड़ा दिखे, यानी जूम होके दिखे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करते हैं यहाँ पे, देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, मॉडल पॉपअप बनाए थे, ठीक है, डिव आईडी हम दे देते हैं इसकी, इमेज मॉडल, ठीक है, और इसका हम क्लास दे देते हैं मॉडल, ठीक है, और उसके बाद हम डिव क्लास मॉडल डायलॉग, ठीक है, मॉडल डायलॉग, उसके बाद हमारा होगा मॉडल कंटेंट, डिव क्लास मॉडल कंटेंट, ठीक, मॉडल कंटेंट में हमारा क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, एक बटन लगाएंगे और उसके बाद इसी कंटेंट के अंदर हमारा जो होगा मॉडल बॉडी होगी, ठीक है, तो हम क्या करते हैं एक डिव लगाते हैं, और इस डिव में हम क्या करते हैं एक बटन लगाते हैं, बटन, और इसको हम क्लास दे देते हैं, क्लास btn, नहीं टाइप दे देते हैं, इसका हम बटन टाइप दे देते हैं इक्वल टू बटन, ठीक है,
अब देखिए, अब इसका क्लास दे देते हैं बीटीएन डेंजर, ठीक है, बीटीएन डेंजर। उसके बाद हम इसको किधर रखना चाहते हैं, फ्लोट राइट, राइट साइड में हम इसको रखना चाहते हैं। उसके बाद हम एक मार्जिन दे देते हैं 1 पिक्सल का चारों तरफ से। उसके बाद आइकन हम जो इसमें दिखाना चाहते हैं वो क्रॉस का, तो उसके लिए हम क्या करते हैं एंड टाइम्स यूज कर लेंगे, आ जाएगा क्रॉस का आइकन, ठीक है। इतना काम हमने कर लिया। उसके बाद हम मॉडल बॉडी देते हैं, डी क्लास मॉडल बॉडी, ठीक है, मॉडल बॉडी। इसकी आईडी दे देते हैं, आईडी को हम किससे डिनोट कर देते हैं, इमेज बॉडी, ठीक है, कंट्रोल एस, ठीक। इतना काम हमने कर लिया। अब देखिए, जैसे ही उस इमेज पे क्लिक करेंगे तो हमें ये मॉडल पॉपअप दिखना चाहिए, और इस मॉडल पॉपअप में हमें वो इमेज शो होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, इस दो आईडी के बिहाफ, इस आईडी से हम क्या करेंगे, मॉडल को कॉल करेंगे, और इस आईडी से हम क्या करेंगे, इस डीबी में इमेज को हम बाइंड कराएंगे, ठीक है। तो उसको हम किसकी हेल्प से कराएंगे, एज ए जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कराएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू रूट फोल्डर के अंदर जो हमारी जेएस फाइल बनी है, इसको हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, अब देखिए, डॉलर हमें, देखिए अब हम जैसे इस इमेज पे क्लिक करेंगे, किस इमेज पे, जो हमारा इमेज था, इसको जो हमारा इमेज था, कौन सा इमेज, यहाँ पे जो इंडेक्स पे हमारा इमेज है टीडी में हमने जो दिया है, तो इसकी आईडी हम दे देते हैं, आईडी, आईडी क्या देते हैं, कस्टम इमेज, ठीक है। अब जैसे इस इमेज पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, देखिए कंट्रोल वी, कस्टम इमेज के इमेज पे, ठीक है, कस्टम इमेज के इमेज पे जैसे ही हम ऑन क्लिक करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एक फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल होगा, और इसी फंक्शन में हम क्या करेंगे, डॉलर जो मॉडल थी, मॉडल में मॉडल की आईडी क्या है, जो हमारा मॉडल है मॉडल की आईडी क्या है, इमेज मॉडल, ठीक है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आईडी तो हैज कंट्रोल वी डॉट शो, ठीक है, मॉडल को हम दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद वेर एच टी एम एल इक्वल टू, हम क्या करेंगे, डॉलर दिस, यानी जिस पे भी हम क्लिक करेंगे उस उसकी प्रॉपर्टी को हम एक्वायर इस एच टी एम एल नाम के वेरिएबल में होल्ड कराएंगे, ठीक है, डॉलर दिस डॉट एनिमेट एनिमेट। और क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे उसकी विड्थ को हम बढ़ा देंगे, विड्थ कितनी कर देंगे, 400 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, विड्थ 400 पिक्सल। उसके बाद हाइट, हाइट हाइट कर देते हैं इसको भी हम 400 पिक्सल। उसके बाद देखिए, ये तो हमने हाइट और विड्थ सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम यदि एनिमेशन देना चाहते हैं तो उसको भी हम दे सकते हैं, देखिए उसको कैसे देंगे, यहाँ पे हम, अब देखिए ड्यूरेशन मतलब जो इमेज हमारा दिखे वो किस स्पीड से दिखे, तो उसके लिए हम ड्यूरेशन सेट करते हैं, ड्यूरेशन हम दे देते हैं 500। उसके बाद जो उसका इफेक्ट है वो कैसा हो, तो उसको हम दे देते हैं लीनियर, ठीक है, लीनियर, ठीक है। इतना काम हमने कर लिया। उसके बाद इतना काम हमने कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉलर, आप देखिए मॉडल बॉडी का हमारा क्या आईडी थी, आईडी मॉडल बॉडी इमेज बॉडी, ठीक है, कंट्रोल सी, और इसकी बॉडी में हम क्या करेंगे, डॉट एच टी एम एल, एच टी एम एल किसको हम बाइंड कर देंगे, जो इस नाम वेरिएबल में हमने स्टोर किया है, कंट्रोल सी, और इसको हम कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। इतना काम हमने कर लिया उसमें दिखाने के लिए। अब जैसे मॉडल दिख जाएगा तो हम, अगर हम क्रॉस बट क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा मॉडल हाइड भी होना चाहिए, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये लगाया है, तो इसके हम आईडी दे देते हैं, आईडी क्लोज बीटीएन, ठीक है, क्लोज बीटीएन, कंट्रोल सी। अब जैसे इस बटन पे हम क्लिक करें तो हमारा क्या हो, वो मॉडल पॉपअप हाइड हो जाए, ठीक है, हैज कंट्रोल वी डॉट ऑन क्लिक फंक्शन, मॉडल क्या, कौन सा है, इमेज मॉडल, ठीक है, कंट्रोल सी, और इसको हमने शो करवाया था तो इसी को हमें हाइड करवाना है, कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइड, कंट्रोल एस। अब चलते हैं अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं और देखते हैं कि क्या यह प्रॉपर वर्क करता है जैसा हमने डिजाइन किया है, ठीक है, रन करते हैं, प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं। अब देखिए इस इमेज पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा इमेज ये बड़ा होना चाहिए और हो रहा है, ठीक है, किसी भी इमेज पे हम बड़ा करें क्लिक करेंगे तो हमारा इमेज बड़ा हो रहा है, बट ये अभी सेंटर में नहीं है,
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मॉडल बॉडी जो हमारी है, मॉडल बॉडी, हाँ, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक क्लास दे देंगे टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आइटम को सेंटर में कर देगा। ठीक है, तो हम चलते हैं फिर से एक बार रन करते हैं अपने प्रोजेक्ट को और देखते हैं प्रॉपर वर्क कर रहा है। और इस पे हमने क्लिक किया, देखिए जो आइटम था हमारा सेंटर में आ गया, और इस क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं, हमारा मॉडल पॉपअप हाइड हो रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने लाइव एपीआई को कैसे कंज्यूम करें, इसकी फंक्शनैलिटी का इंप्लीमेंटेशन किया। ठीक है, अब देखिए इस बटन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे, हम इसकी विड्थ को सेट कर सकते हैं, यहाँ पे विड्थ इसको हम कर देंगे 200 पिक्सल। ठीक है, कंट्रोल एस, फिर से रन करेंगे प्रोडक्ट्स। अब देखिए आइकन हमारा खूबसूरत दिख रहा है। तो मित्रों आज के इस वीडियो में हमने लाइव एपीआई को कैसे कंज्यूम करें, इसकी फंक्शनलिटी का इम्प्लीमेंटेशन किया। तो इस जब लाइव एपीआई को हम कंज्यूम करते हैं, तो हमें डेटाबेस की नीड नहीं होती है, क्योंकि जो यूआरएल हम एक्सेस कर रहे हैं वो यूआरएल कहीं ना कहीं एपीआई होस्ट होती है, वो वहां के डेटाबेस में, डेटाबेस से डेटा को हम अचीव करते हैं यानी रिट्रीव करते हैं। तो या इसके लिए हमने लाइव एपीआई को कैसे कंज्यूम करें, इसकी फंक्शनलिटी का इम्प्लीमेंटेशन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे प्रोडक्ट को डिलीट करते हैं, कैसे प्रोडक्ट को एडिट करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं और कैसे ऐड करते हैं, इसकी फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे।